नमस्कार साथियों, कल सब व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हमारे निदेशक महोदय माध्यमिक बीकानेर ने, श्री आशीष जी मोदी ने एक अपील वायरल की थी और वो सभी टीचर्स के ग्रुप में गई थी। मैं कुलदीप शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घुमांदा से वरिष्ठ अध्यापक विषय अंग्रेजी। मेरा जो चैनल है वो इंग्लिश टीचिंग का और जीके का है, लेकिन आज एक अलग वजह से हम आए हैं। वजह ये है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 2 वर्ष का भी नहीं हुआ है, अर्जुन। अर्जुन एक विचित्र प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है। इसकी हेल्प के लिए जब हमने लोगों से कॉन्टेक्ट किया तो एक डाउट पैदा हो रहा था और खुद हमारे मन में भी ये डाउट आया कि क्या ये सच में बीमारी है, क्या सच में इनको नीड है या कोई फ्रॉड मैसेज चल रहा है। तो ये मैसेज कल लगभग 11 बजे हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे था और आज मैं अर्जुन के घर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ में अर्जुन के मम्मी बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम जांगिड़ है। अर्जुन मेरा बेटा है जो अभी 22 महीने का हो चुका है। अर्जुन को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका नाम SMA है और इसका पूरा नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें क्या होता है, ये बच्चे के जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है और इसमें बच्चा धीरे धीरे अपने शरीर पे कंट्रोल खोता जाता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता और उसकी तंत्रिकाएं हैं जो सपोर्ट नहीं करती हैं उसके सिस्टम को, और बच्चे की हालत ऐसी हो जाती है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। और लास्ट स्टेज ये होती है कि बच्चे को अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो बच्चा मतलब जीवित भी नहीं रह पाता। पूनम जी, सबसे पहले मैं कंफर्मेशन के लिए जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, परमानेंटली आपका मकान कहाँ है? अभी जहाँ जयपुर में हम बैठे हैं यही आपका निवास है? नहीं सर, मेरा वैसे मकान तो यही है, मैं मानसरोवर में रहती हूँ और मेरी पोस्टिंग है, मैं द्वारिकापुरी स्कूल में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ और जो कि यहाँ मेरी पोस्टिंग है। आप तो एक मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ? जी जी, मैं लैब असिस्टेंट हूँ। किस विद्यालय में पोस्टिंग आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर, जयपुर। जी मैम, जब ये बच्चा हुआ था अर्जुन, उस समय कोई इसको तकलीफ थी? नहीं नहीं, तब तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। अच्छा। और 6-7 महीने तक हमने एकदम से नॉर्मल इसको वो किया है, बस हाँ ये कभी खड़ा नहीं हुआ। हम इसको खड़ा करने की कोशिश करते थे लेकिन नहीं, इसके सपोर्ट ही नहीं था पैरों में। इसने क्रोलिंग शुरू कर दिया था जी, लेकिन साल भर का आते आते वो भी रह गया, उस एक जगह ही बैठा रहता था। फिर पहले इसने गुडालियाँ चलना शुरू कर दिया? जी जी जी, 2 महीने चला था क्रोलिंग करना। तो खाने पीने में कभी कोई तकलीफ थी इसको? सर खाने पीने में तो शुरू से ही दिक्कत रही है, ये खा पी भी नहीं सकता। अच्छा। और इसके मतलब रहती है, दिक्कत रहती है खाने पीने में भी और डाइजेशन में भी दिक्कत है। कब आपको इस बीमारी के बारे में पहली बार पता चला? सर हम चेकअप तो इसका 2023 से ही करवा रहे हैं लगातार, शुरू से ही, जब बच्चा हमारा 12 महीने का हो गया था। हमने नोटिस किया कि भाई ये नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा, तो फिर हमने लगातार डॉक्टर्स को दिखाया है। तो हमें अभी 2023 दिसंबर में पता चला है कि बच्चे के SMA टाइफस्ट है और जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैम, लोगों से जिनसे हमने बात की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग हेल्प तो करना चाहते हैं लेकिन जितने फ्रॉड सिस्टम चलते हैं जी, उसकी वजह से आप भी सबके दायरे में आते हो। जी जी मैम, तो ये जो पैसे वो भेज रहे हैं तो वो क्या आप लोगों के पास पहुँच रहे हैं रियल में? जी सर, हमने क्या है, एक इम्पैक्ट गुरु करके एक NGO है जिसपे अपन फंड रेजिंग कर रहे हैं। अर्जुन के नाम से उन्होंने RBL बैंक का अकाउंट बना के दिया है और उसमें UPI ID भी है और वो लोग डोनेट भी कर रहे हैं और वो पैसा हमारे पास आ भी रहा है। अब तक आपके पास कितने रुपए इकट्ठे हो चुके हैं? सर 3 महीने हो गए हमें इस मुहिम को चालू करे हुए और हमारे पास 4-4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो चुका है। मैम, ऐसे वायरल हो रही है चीज़ें कि सोनू सूद ने आपके पास आपको पूरे पैसे दे दिए हैं और अब आपको और अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। जो अभिनेता है सोनू सूद, उन्होंने पहले भी ऐसे कई रोगियों की मदद की है, तो क्या वो आप तक अप्रोच हुए हैं, पहुँचे हैं आप तक? सर हमने अप्रोच करने की तो उनसे बहुत कोशिश की है लेकिन उनकी मदद हम तक नहीं पहुँची है।
उन्होंने आपको एक भी रुपया नहीं दिया अभी? नहीं 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 सर। और न ही जो आपको नीड है वो कंप्लीट हुई है अभी तक? नहीं नहीं सर, अभी भी हमारा कलेक्शन पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए अभी हमें लग रहा है जिस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम और लगेगा। राजस्थान पत्रिका में आपकी न्यूज़ आ चुकी है, फर्स्ट इंडिया के अंदर न्यूज़ आ चुकी है, और कहाँ से आपको मदद मिली है बड़े तौर पर? बड़े स्तर पर तो सर जैसे शिक्षा विभाग में हमारे निदेशक महोदय हैं, जिनसे हमने अपील की थी कि सर आप हमारी सहयोग करें धनराशि जुटाने में, तो उन्होंने हमारे शिक्षा विभाग से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकगण आमजन हमारी मदद करने के लिए आगे आएं और मेरे बेटे का जीवन बचाने के लिए मेरा आर्थिक रूप से सहयोग करें। साथियों, सबसे ज़्यादा मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा, एक बड़ी राशि तो हम नहीं दे सकते और छोटी हम देना नहीं चाहते हैं कि इतनी सी राशि से क्या होगा, लेकिन राजस्थान इतना बड़ा है, राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है, और इसका मतलब है एक व्यक्ति यदि 2 रुपये देता है तो भी 16 करोड़ रुपये की राशि जमा होती है और इनकी जो नीड है वो पूरी हो सकती है। एक घर के अंदर 5, 7 या 10 सदस्य मैक्सिमम होते हैं और उसकी अनुसार वो 20 रुपये भी यदि कलेक्ट करते हैं, अपनी तरफ से डोनेट करते हैं, और हमें यहाँ तक इन तक पहुँचने की भी आवश्यकता नहीं है, इन्होंने वो सोर्स दे रखे हैं, तो घर बैठे हम फ़ोनपे की मदद से या किसी भी अन्य गूगल पे के ज़रिए इन तक अपनी राशि पहुँचा सकते हैं साथियों। लेकिन ये समय बहुत ही कम है, लगभग कितना टाइम बचा है मैम? सर ये इंजेक्शन है जोलेंजमा जिसकी कॉस्ट 17.5 करोड़ रुपए है जी। ये बच्चे को 24 महीने से पहले ही लग सकता है। अभी वो कितने महीने का हो गया? 22.5 महीने का हो चुका है सर जी। 1.5 महीने का टाइम अभी जी, 1.5 महीने का है। और इंजेक्शन को जब आप मंगवाओगे बाहर से उस भी प्रक्रिया में टाइम लगेगा जी, 20 से 25 दिन लग जाएंगे जी। तो आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आपकी जो भी क्षमता हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, उसमें आप संकोच बिल्कुल न करें, और आप अपनी तरफ से जो डोनेट कर सके वो तो करें, लेकिन इस मैसेज को कम से कम आप अन्य 20-25 लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें। आपका इतना तो नेटवर्क होगा ही होगा जहां तक आप ये बात पहुंचा सकते हैं, ताकि वो लोग भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। और साथियों, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें। हालांकि वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को ये विश्वास बैठेगा कि ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि हम खुद हमारे पास भी जब ये मैसेज आया तो हमें भी लगा कि हो सकता है ये फ्रॉड हो। तो अभी अर्जुन के मम्मी आपसे रूबरू हो रहे हैं, बाकायदा सामने बैठे हुए हैं और अर्जुन को भी आप देख पाएंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है, सारे पैसे इन्हीं के पास पहुँच रहे हैं। मैम, ऑथेंटिक आपके मोबाइल नंबर्स कौन कौन से हैं, कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे? मैंने मेरा मोबाइल नंबर है 8900555452 जी। मेरे हस्बैंड है पंकज जांगिर, उनका नंबर है 8447735522। और कोई नंबर से कहीं बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है? बात कर सकते हैं सर इन पे। आपके और कौन से ऑथेंटिक नंबर है? मैं ये चाहता हूँ कोई और इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए जी। जी हमारा एक अल्टरनेट नंबर और है मेरे ससुर जी का, रामजीलाल जांगी नाम है इनका, इनका मोबाइल नंबर है 9460838996। साथियों, यही इनके ऑथेंटिक नंबर हैं, 3 नंबर इन्होंने दिए हैं, इन्हीं पे आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं, आपको कोई भी अकाउंट डिटेल कुछ भी लेना है। मैम, आप किस हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज करवा रहे थे, कहाँ से? ये जेके लोन में अपने डॉक्टर हैं प्रियांशु माथुर जी, जेनेटिक एक्सपर्ट हैं, वही मेरे बच्चे का इलाज कर रहे हैं। तो अभी जो इंजेक्शन लगेगा वो उन्हीं के थ्रू लगेगा? जी जी सर। और कहाँ से आप इसको इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से मंगवाएंगे? यूएसए से आएगा सर जी। किस कंपनी का है ये? ये है नोवार्टिस कंपनी। मैम, एक इतने बाहर फ्रॉड चलते हैं तो एक शक सा जाहिर होता है, हम कैसे आपके ऊपर बिलीव करें कि ये सब कुछ सच है? सर मैं खुद एक गवर्नमेंट पोस्ट है, लैब असिस्टेंट है, और मेरे हस्बैंड सर्विस इंजीनियर हैं जी हेल्थ केयर में। मेरे ससुर जी हैं सेकंड ग्रेड टीचर से अभी रिटायर हुए हैं, और मेरी सास है सेकंड ग्रेड टीचर इंग्लिश में। तो सर हम एक संपन्न परिवार से हैं, लेकिन जब बच्चे की बात आती है उसको SMA टाइप है और 17 करोड़ का इंजेक्शन है, तो इसमें फ्रॉड करने वाली बात तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 17 करोड़ रुपये किसी भी मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक क्राउड फंडिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम
ये 17 करोड़ का इंजेक्शन मुहैया करा सके और बच्चे को बचा सके सर। और जैसे जैसे कि हमारा परिवार है, हम 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ का खर्चा भी होता तो हम इसको वहन कर सकते हैं। अब बच्चे की हालत आपके सामने है, बच्चा भी आप देख सकते हैं, और इसकी हालत दिन दिन ख़राब होती जा रही है, तो हमारे पास समय कम है। अगर अधिक समय होता तो हम इतना जो राशि है उसको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से कर लेते, लेकिन हमारे पास मात्र 1 महीने का ही समय शेष बचा है, तो इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं है सर। ये जो इम्पैक्ट गुरु पे आप कलेक्ट कर रहे हो, मनी फंड रेज कर रहे हो, वो ऑथेंटिक है या उसमें कोई वो कोई और किसी ने बनाया हुआ है? सर इम्पैक्ट गुरु एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, एनजीओ है, जो हमारे बच्चे के लिए उन्होंने RBL बैंक का एक अकाउंट खोल रखा है और अपन सीधा उससे फंड रेजिंग कर रहे हैं। लोग सीधा उस पर डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं और निदेशक महोदय ने भी इम्पैक्ट गुरु की ही डिटेल्स दी हैं जी। साथियों मेरे साथ अर्जुन के पिताजी जुड़े हैं, पंकज जी। पंकज जी आप क्या करते हैं और अपना परिचय दीजिए। सर मैं एक हेल्थ केयर कंपनी में जनरल इलेक्ट्रिक जी हेल्थ केयर में सर्विस इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ जी। सर ये जो मनी आप ले रहे हो तो ये फ़ोन पे वगैरह से उन चीज़ों से क्यों नहीं आप कलेक्ट कर रहे? सर हम पर्सनल हमारे अकाउंट में कोई भी फंडिंग रेज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कुछ NGOs हैं, जैसे कि इम्पैक्ट गुरु है, मिलाप है, कीटो, कुछ ऐसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, वैसे ही इम्पैक्ट गुरु है, उस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पूरा का पूरा फंड वहीं पर रेज कर रहे हैं, वहीं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक नॉर्मल व्यक्ति जो भेजना चाहे तो वो कैसे भेजे? सर इसमें नॉर्मल व्यक्ति कोई भी अगर अर्जुन के लिए डोनेट करना चाहता है तो स्कैनर के थ्रू स्कैन करके भी डोनेट कर सकता है, UPI ID पे भी डोनेट कर सकता है, और अर्जुन के लिए एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट है उसमें भी वो डोनेट कर सकता है। UPI ID आप बताइए ताकि वो ऑथेंटिक हो जाए लोगों को लगे ये ऑथेंटिक है। सर अर्जुन के लिए डोनेट करने के लिए आप स्कैनर से भी डोनेट कर सकते हैं, और अर्जुन के लिए UPI ID है support अर्जुन ARJUN309@yesbankltd। सर आज तक कभी इतने 7.5 करोड़ का इंजेक्शन हमने कहीं सुना नहीं है, तो ये इसके बारे में बिलीव कैसे करें कि आप लोग सच बोल रहे हो? सर देखो जब दिसंबर में अर्जुन के बीमारी के बारे में हमें पता लगा था तब हमारे लिए भी ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था कि इतना महंगा भी कोई इलाज हो सकता है क्या, क्योंकि हमने मैं खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हूं तो मेरे लिए भी एक बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि दुनिया में कोई भी इलाज अगर देखा जाए तो 50-60 लाख या 1 करोड़ से महंगा जनरली कोई भी इलाज होता नहीं है। तो इतना महंगा इंजेक्शन सुनने के बाद ये तो स्टार्टिंग में 2-5-10 दिन तो हमें भी समझ में नहीं आया था अब क्या करें, इस चीज़ से कैसे लड़ें। तो फिर कुछ लोगों से मदद ली, कुछ समझदार लोगों से, परिवार वालों से मदद ली, कुछ दोस्तों से मदद ली, तब हमें समझ में आया कि भाई ये इतनी बड़ी समस्या का हम समाधान है क्राउड फंडिंग के थ्रू कर सकते हैं। और अब फिर हमारे लिए सामने ये चैलेंज आया कि क्राउड फंडिंग कैसे करें, कोई आदमी कैसे बिलीव करेगा कि हमारे अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में क्यों पैसा डालेगा? तो इसके लिए सर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कुछ ऐसे NGOs हैं, जैसे इम्पैक्ट गुरु हमने सेलेक्ट किया, हम इम्पैक्ट गुरु के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी जनरली अपने अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए इम्पैक्ट गुरु के थ्रू क्राउड फंडिंग रेज कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल्ड प्रक्रिया बताएं जी। नॉर्मल व्यक्ति अपने फ़ोन को लेकर के वो क्या कुछ करे जिससे वो आपके पास पैसे भेज दे, और क्या वो लोग आपसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं? जी सर कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंक्वायरी करना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 8447-3552 और मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर है 8900-555-4522। और मेरे फादर को भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम है रामजीलाल जांगिड़ जी, उनको भी आप फ़ोन कर सकते हैं 9460-838996। ये SMA बीमारी का ये इंजेक्शन लगभग 17.5 करोड़ रुपए में आता है। ये एक इंजेक्शन नोवार्टिस अमेरिकन कंपनी है वो बनाती है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही एक कंपनी है जो कि SMA को लेके अभी इंजेक्शन बना रही है, SMA को लेके दवाई बना रही है। और यह इंजेक्शन भी बच्चे की उम्र से 24 महीने से पहले पहले ही लग सकता है। और सर एक्चुअली SMA में होता क्या है कि बच्चे के अंदर शरीर और दिमाग का आपस में संतुलन नहीं रह पाता है। जैसे आपने पूरे शरीर के मसल्स, जितने भी मसल्स होते हैं या लंग्स होते हैं, सांस लेने की शक्ति होती है, इन सबको दिमाग कंट्रोल करता है, और दिमाग से जब सिग्नल जाता है मसल्स में और लंग्स में कि भाई कितना सांस लेना है तुम्हें, मसल्स को जब सिग्नल जाता है कि भाई कितनी ताकत लगानी है, कितनी कहाँ पे पैर उठाना है, कहाँ पे हाथ उठाना है, तो वो सिग्नल जैसे माइंड से जो सिग्नल लाने ले जाने का काम करता है, न्यूरॉन कैरी करता है। तो अर्जुन के अंदर इस न्यूरॉन की कमी है,
तो यही ये न्यूरॉन की कमी ही ये SMA बीमारी होती है, और वो जो इंजेक्शन है 17 करोड़ का उसके अंदर लाइव न्यूरॉन्स होते हैं, इसीलिए वो महंगा है। एक ही इंजेक्शन लगेगा या उसमें कई बार इंजेक्शन? जी सर जी, वो सिंगल डोज इंजेक्शन होता है, उसे जीन थेरेपी कहते हैं, यही एक सिंगल इलाज है जी। तो पंकज जी, आपको लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से सर मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, और इस मुसीबत की घड़ी में आप सभी लोग हमारी मदद करें। और जैसे हमारे साथ हुआ कि हमें बच्चे की बीमारी को डायग्नोस करने में ज़्यादा समय लगा, हमारे ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने इस चीज़ में ख़राब हुए कि हमें बीमारी का ही नहीं पता लग पा रहा था, तो हम भी चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा नहीं हो कि उसे 10 महीने सिर्फ यही पता करने में लग जाए कि बीमारी क्या है बच्चे को। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर भी लोगों में अवेयरनेस आए, और समाज में भी इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस आए, और डॉक्टर्स में भी इस SMA बीमारी को लेकर अवेयरनेस आए, क्योंकि यह है एक रिसेंट स्टडीज़ में रिसर्च की हुई बीमारी है। जो पुराने डॉक्टर्स हैं उसको इस बीमारी के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरी डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा अवेयरनेस बच्चों में और उनके पेरेंट्स में फैलाएँ। दिसंबर में ही आपको पता चल गया, तो आपने फिर ये मुहिम में इतनी देरी क्यों की? सर हम जैसे दिसंबर में हमें पता लगा, हम तभी से ही क्राउड फंडिंग के सभी प्रयासों को, सभी कोशिशों को हम जारी रखे हुए हैं। लेकिन जब से क्या हुआ कि डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर साहब ने, राजस्थान ने जब से अर्जुन के लिए अपील जारी करी है, वो 3 दिन पहले जारी की, जी 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 बिल्कुल, जो 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो अपील जारी हुई है, उसके बाद से हमारी मुहिम थोड़ा अच्छे स्तर पे पहुंची है। राजस्थान में जितने भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं वो लोग पर्सनली हम लोगों को फ़ोन कर करके वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, आम जन जो है वो भी हमारी हेल्प कर रहा है। तो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब के आदेश के बाद हमारी मुहिम थोड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजिशन में, कैंपेन हमारा आगे पहुँच पाया है। सर लोग बार बार आपको फ़ोन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप इससे इरिटेट नहीं होते, परेशान नहीं होते हैं? सर जो लोग बार बार हमें फ़ोन कर रहे हैं, दिन में हमारे पास बहुत सारे फ़ोन भी आने लगे हैं आपसे, तो सर इस चीज़ से हमें उल्टा अच्छा लग रहा है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लोगों का भी ये क्वेश्चन रहता है आगे कि कहीं उनका पैसा कहीं गलत जगह डोनेट तो नहीं कर रहे हो, कहीं गलत किसी फ्रॉड को तो डोनेट नहीं कर रहे, तो वो लोग भी ये वेरीफिकेशन करते हैं फ़ोन करके कि हाँ भाई हमारा पैसा जो डोनेट कर रहे हैं वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, जिनको ज़रूरत है उन तक, जी 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 जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, अर्जुन तक, बेसिकली अर्जुन तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, सब लोग फ़ोन करके यही पूछते हैं कि अर्जुन कैसा है। और जी सर हमें भी इससे मनोबल मिलता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, और हमारी बात को और आगे से आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, राजस्थान में लगभग 1,72,000 शिक्षक हैं, तो वो यदि सभी लोग 500-500 रुपए या 200-200 रुपए भी ऐड करेंगे तो इनके लिए एक बड़ी राशि ऐड होगी, और 40 लाख के लगभग विद्यार्थी है। तो मैं सभी निजी और सरकारी स्कूलों से ये निवेदन करूंगा। साथियों, मैंने मेरे स्कूल के अंदर जैसे ही इस बच्चे के बारे में जिक्र किया तो बच्चे वहाँ पर तैयार हो गए कि सर हम हमारी तरफ से 10-10 रुपए ऐड करते हैं। तो साथियों, आप अपने विद्यालय से यदि 40 लाख विद्यार्थी 10-10 रुपए भी ऐड करेंगे तो ये राशि 4 करोड़ रुपए एकत्रित होगी। कोई भी उनका शिक्षक उनसे नगद में लेकर के और इनके अकाउंट्स के ऊपर ये ट्रांसफ़र कर सकता है, और इस छोटी सी मुहिम से इस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी रकम एकत्रित हो जाएगी। तो आप सभी से जो हमारा शिक्षा जगत है, जो स्कूल्स हैं, बच्चे और शिक्षक मिल करके हम आइए इसको एक बड़ी पहल के रूप में अंजाम देते हैं। जो विद्यालय है तारानगर तहसील का भला उताल, उनका एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, उन्होंने अपनी तरफ से 6100 रुपये दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपने वीडियोज़ भी डाल करके और लोगों को प्रेरित कर सकते हो, ताकि लोगों को लगे कि ये फ्रॉड नहीं है। बाकी अर्जुन आपके सामने हैं, अर्जुन के माता पिता आपके सामने हैं। साथियों, जो क्वेश्चन मुझे करने थे वो मैंने इनके मम्मी से, पापा से, दोनों से भरपूर पूछे हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्ट इनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और आपसे यही बार बार निवेदन करेंगे कि आप अपने इलाके में, आपका जो एरिया हो जहाँ आप न जा पाते हैं, तो आप अपने जो परिक्षेत्र है जिसमें आप सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों को इनसे जोड़े। टाइम काफ़ी कम है, इस बच्चे की जान बचाना आपकी, हमारी सबकी एक प्रकार से सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी है। उसी नैतिक जिम्मेवारी ने मुझे खींच करके यहाँ जयपुर तक इनके पास मैं आया हूँ, और आप तक ये बात मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, मुझे दें इसी के साथ इजाज़त, और आप पर्सनली इनको कॉल करके इनसे जो भी डाटा चाहें वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। स्कूल शिक्षा विभाग में
लैब सहायक पद पे कार्यरत श्रीमती पूनम जांगिड़ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारकापुरी जयपुर में कार्यरत हैं, उनके पुत्र अर्जुन जांगिड़ जिन्हें दुर्भाग्यवश से SMA नाम से कोई विशेष बीमारी से वो ग्रसित हैं, उस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टरों ने ये बताया हम सबको कि 17.5 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना है। उस अर्जुन जांगिड़ के उस इंजेक्शन में सहयोग के स्वरूप हम सब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भ्राउताल में पदस्थापित सभी मेरे इन साथियों ने स्वेच्छा से 6100 रुपये एक छोटी सी सहयोग राशि उस बच्चे के स्वस्थ होने के लिए भेंट की है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से परमपिता परमेश के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वह बच्चा जल्दी ही स्वस्थ हो, उसकी उम्र लंबी हो। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे संस्था प्रधान श्रीमान अमित जी सारण से निवेदन करूंगा कि एक बटन दबाकर क्लिक कर 6100 रुपये की राशि अर्जुन जांगिड़ के खाते में ट्रांसफर की जाए। ये देखिए बहुत ही एक नेक कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़ाउताल के प्रांगण से सब स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। सभी मेरे साथी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत ही सुंदर दर से